ओम शांति। उसके बाद तो बाबा ने मुझे अमृतसर भेज दिया था। फिर जब मैं मधुबन में आई तो मधुबन में मम्मा तो बॉम्बे में थी, दीदी बाबा के साथ राइट हैंड बन के चल रही थी, पार्टी को देखना, पार्टी को संभालना, सब कुछ करना ये दीदी देखती थी। जब तक मम्मा नहीं आए तो दीदी होती थी, मैं दीदी को देखा करती थी, परंतु कभी गुड मॉर्निंग करने का मुझे कभी मालूम भी नहीं था कि सवेरे उठ के जा करके दीदी से या बाबा से गुड मॉर्निंग करना है। तो दीदी ने मुझे सिखाया, कहा जो सवेरे उठो तो यहाँ स्नान पानी करके गुड मॉर्निंग करने आओ, ये हमारा परिवार है, तो जितना नजदीक आएंगे उतने राजधानी में नजदीक होंगे, यहाँ अगर दूर दूर रहेंगे तो यहाँ से दूरियां सतयुग में राजधानी में भी दूर दूर ही रहेंगे, तो तुमको घराती बनना है, बराती नहीं बनना है, तुम घर वाले होके रहो। तो दीदी ने बहुत अच्छा तरीका सिखाया कि एक फूल लेकर के आओ, बाबा को भी देके गुड मॉर्निंग करो और मेरे को भी देके गुड मॉर्निंग करो, तो सुबह सुबह का जो आशीर्वाद मिलता है, प्यार मिलता है, खुशी मिलती है, वो सारा दिन रहती है। और ऐसे ही नजदीक आएंगी, ऐसे परिवार के साथ घुल मिल जाएंगी, और नहीं तो दूर दूर रहेंगी तो दूर दूर वाले नहीं बनो। वो शिक्षा जो दीदी ने दिया, तो मैं रोज जा करके झोपड़ी के पास जो फूल लगे होते थे बाबा के, वो मैं तोड़ के लाके और मुस्कुराते हुए, दीदी ने कहा मुस्कुराते हुए देना और दृष्टि लेते हुए देना, तो जो विधि दीदी ने सिखाया वो मैंने फॉलो किया।